जब शत्रु अदृश्य होता है तो पता नहीं चलता वो कहां से वार करता है और हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। जो लोग अपने शत्रु को सामने से देख लेते हैं वे अपनी सुरक्षा के उपाय कर लेते हैं। आज हमारे सामने एक ऐसा शत्रु है जिसे हम देख नहीं पाते, किस रास्ते से आता है उस रास्ते के बारे में भी हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। हम यही नहीं जान पाते कि सामने हम जिससे बात कर रहे हैं, जो हमारे रिश्तों में बहुत करीबी है, वो उसके अंदर भी एक शत्रु बैठ गया है। दरअसल यह शत्रु है कोरोना वायरस, जिसे सामान्य आदमी क्या, बड़े बड़े वैज्ञानिक तक अभी ठीक से देख नहीं पाए हैं। जिन्होंने देखा है अपने यंत्रों के जरिए, वे उसकी कोई काट नहीं तलाश पाए हैं। जाहिर है कि एक ऐसा शत्रु है जो बिल्कुल भयानक है, ऐसा भयानक जो हमारे सारे रास्तों में अवरोधक बन गया है। समाज को, व्यक्ति को उसने डर और दहशत के साथ साथ जड़ता प्रदान की है, घरों में सबको कैद कर दिया है। इस वायरस से मुकाबला करने का जो समय है, उस समय को हमें समझने की जरूरत है। जो जरूरत है उस जरूरत को समझने की जरूरत है, और ये जरूरत है कि हम अनुशासित जीवन जीना सीखें। अभी हम सबने देखा है, हम रोज देखते हैं अपने शहर में, शहर के विभिन्न मोहल्लों में और सड़कों पर हमारे पुलिस के जवान, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं। इतनी मेहनत कर रहे हैं कि जिसके बारे में मेरे पास शब्द नहीं है। अपनी जान जोखिम में डालकर वो हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उनकी इस मेहनत को साकार कर रहे हैं? क्या उनकी मेहनत को हम पहचान पा रहे हैं? क्या वास्तव में हम उनका साथ दे पा रहे हैं? जिसका विश्लेषण हमें करना होगा, आत्मावलोकन करना होगा। मैंने भोपाल में खुद देखा है, कई ऐसे मोहल्ले हैं जहां भीड़ भाड़ बहुत रहती है, सड़कों पर पुलिस गश्त कर रही है, जगह जगह बैरिकेड लगाए हुए हैं, लेकिन जब मोहल्लों में जाइए तो लोग आपस में घुल मिलकर बैठ रहे हैं, वो एक दूसरे के घरों में जा रहे हैं, आपस में आदान प्रदान हो रहा है, ऐसे सट के बैठ रहे हैं जैसे सामान्य दिनों में। ये जो स्थिति है बहुत घातक है, और जब तक हम इस पर विराम नहीं लगाएंगे तब तक शायद कोरोना का हल नहीं निकल पाएगा। ये शत्रु अदृश्य बनकर घात करता रहेगा। देखिए, आप अपनी सभी जरूरतें पूरी करिए, सबसे रिश्ते भी निभाइए, लेकिन आप एक लक्ष्मण रेखा जरूर खींचिए। हम सब अपने लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाएं। वो लक्ष्मण रेखा सिर्फ यही है, शारीरिक दूरी बनाएं। शारीरिक दूरी क्या है? जब हम 1 से 2 मीटर 3 मीटर तक दूर रहकर बात करेंगे, संवाद करेंगे, एक दूसरे का सहयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से हम संक्रमण से बचे रह सकेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लॉकडाउन अंतिम समाधान नहीं है। लॉकडाउन एक समाधान है, लेकिन वास्तव में अंतिम समाधान नहीं है, क्योंकि सरकार ने एक व्यवस्था दी कि आप घरों में रहिए, थोड़ा एक जो चेन बन रहा था कोरोना वायरस का, उसे रोकने में मदद करिए। लेकिन ये सरकार की व्यवस्था इसलिए थी कि हम एक आत्मानुशासन का पालन करते हुए हम इसे अपनाएं, हम उस आदेश का, उस सुझाव का, उस निर्देश का पालन करें। पर हम बहुत सारे जगहों को हमने तोड़ा है, हम छोटे छोटे अपने स्वार्थों में हम निर्देशों की अवहेलना कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। देखिए, उद्योग भी चलेंगे, जीवन चलाने के जितने भी साधन संसाधन हैं वो सारे चलेंगे, उनको चलाना भी चाहिए, लेकिन एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए। मैं इस बात का पक्षधर हूं कि समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम सब एक नए सिरे से विचार करें कि हम अपने लिए किस तरह का अनुशासन तय करते हैं। देखिए, अगर महीनों और साल तक उद्योग धंधे बंद रहेंगे, बाजार बंद रहेगा, दुकानें बंद रहेंगी, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में एक बड़ा कमजोर पक्ष आएगा। निश्चित रूप से हमारे देश में तरक्की का जो दौर था वो ठहर गया है, वो रुक जाएगा। इसे रोकना नहीं है, इसे आगे बढ़ाना है।
लेकिन आगे बढ़ाने के लिए क्या करना है। बहुत सारे ऐसे दौर हमने देखे हैं जब बीमारियां आती हैं, जब मुसीबतें आती हैं, जब आंधियां आती हैं, जब तेज बारिश आती है, जब तूफान आता है, तो हम सब उसका सामना करने के लिए खुद को समेट लेते हैं। हम तूफान का मुकाबला कैसे करते हैं? जब तूफान पूरे वेग में होता है तो हम घरों में छुप जाते हैं, हम खुद को किसी न किसी ठौर में अपने लिए ठौर तलाश करके वहां रुक जाते हैं। लेकिन जैसे ही तूफान मंद पड़ता है, तूफान स्थिर होने लगता है, वैसे वैसे हम जो भी तूफान से नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए अपनी योजना बनाते और आगे निकल पड़ते हैं। ये वही समय है कि हम सब योजना बनाएं, हम सब योजना बनाकर आत्मानुशासन लागू करके शारीरिक दूरी मेंटेन करते हुए अपने लिए अपने उद्योगों को चलाएं, बाजार को चलाएं और चलाएं तो सरकार के निर्देशों के तहत। ऐसा न कि सरकार ने जिन उद्योगों के लिए, जिन दुकानों के लिए मनाही कर रखी है, हम वो करने लगे। देखिए, मैंने अभी हाल ही में देखा है, राजस्व प्राप्ति के लिए ही सही सरकार ने एक नियम बनाया कि प्रदेश के कुछ उन इलाकों में जहां ग्रीन सिग्नल्स हैं, जहां पर कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बेहद कम है, वहां पर शराब की दुकानें खोली गई। लेकिन शराब की दुकानें खोली गई ताकि ठीक है, आप जो लोग हैं, जो इसके चाहने वाले हैं, वो ले सकें। लेकिन जिस तरह से उन दुकानों पर भीड़ उमड़ी, जिस तरह से शराब की बोतलें और वो लेने के लिए हमने सारे शारीरिक अनुशासन का उल्लंघन किया, जिस तरह से दिशा निर्देशों की अवहेलना की गई, उससे कोरोना वायरस कमजोर नहीं होगा, बढ़ता है, बढ़ेगा। आप उन तस्वीरों पर देखिए, एक से एक दूसरे से चपक करके, सट करके कतारों में लोग खड़े हैं, लंबी लंबी कतारें हैं, सिर्फ दिल्ली में नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश के तमाम हिस्सों में। और एक बोतल शराब के लिए, एक अपने उसके लिए, हम इस तरह का करें, आप जरूर लें, अगर खुला है, आपकी इच्छा है तो आप लीजिए, लेकिन दूरी मेंटेन करिए, एक घंटे बजाय दो घंटे बाद लीजिए, टाइम अपने लिए फिक्स करिए। ऐसी क्या आपाधापी है कि हम सारे नियम कानून तोड़ करके अपने स्वार्थ में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें जो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए घातक है। इसलिए मेरी अपील है कि एक सचेत नागरिक की तरह, सचेष्ट व्यक्ति की तरह हम सब व्यवहार करें, समय की आवश्यकता को महसूस करें, शारीरिक दूरी मेंटेन करें। और एक बात मैं खास तौर पे कहना चाहता हूँ, आमतौर पर जो सरकारी भाषा है उसमें कुछ लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का शब्द का उपयोग किया है, मुझे लगता है ये शब्द हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। हमारा समाज, हमारा देश विभिन्न तरह समाजों में एकता का पक्षधर है, और जो सोशल डिस्टेंसिंग शब्द है उसकी जो ध्वनि है उस पर गौर करिए, वो नकारात्मक ध्वनि है। क्या हम समाज की सामाजिक दूरी बनाकर कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हमें सामाजिक एकता बनाकर इसका मुकाबला करना है, और सामाजिक एकता के लिए जरूरी है कि हम व्यक्ति से व्यक्ति के बीच की शारीरिक दूरी मेंटेन करें, यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। मैं तो सबसे कहूंगा, सरकार के तंत्र, आम नागरिक, जितने भी स्वयंसेवी संगठन है, वो सोशल डिस्टेंसिंग की जगह फिजिकल डिस्टेंसिंग शब्द का इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारे आम जनजीवन में जो आम लोग हैं वो शारीरिक दूरी के महत्व को ज्यादा ठीक से समझ सकेंगे वनस्पत सोशल डिस्टेंसिंग के। बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।